हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरी शेक्सपियर के फैक्ट के बारे में 10वीं वीडियो है। अब हम आगे शेक्सपियर के कुछ और फैक्ट्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न आउट हो गया था, टोटली पूरी तरह से जल गया था 1613 में ग्लोब थिएटर। और इसको रिबिल्ड कब किया गया था, तो 1614 में किया गया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था सो मैंने बता दिया। 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न आउट हो गया था पूरी तरह से, और 1614 में रिबिल्ट पुनः इसको बनाया गया था। अब हम शेक्सपियर के कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि शेक्सपियर ने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे थे। कौन कौन से थे? पहला था वीनस एंड एडोनिस, दूसरा था द रेप ऑफ लुक्रेज, आज ये दोनों पोयम के कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं बता दे रही हूं, कौन कौन से इसके फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं विनस और एडोनिस के बारे में क्या इसके फैक्ट हैं। एडोनिस, वीनस और एडोनिस जो है ये एक पोयम है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, और ये 15 वीनस और एडोनिस इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आया था 1593 में, ये आया था। ये डेडिकेटेड है टू विलियम हर्बर्ट, WH। विनस और एडोनिस किसको डेडिकेटेड है? 1593 में आया था ये पोयम, और डेडिकेटेड किसको है? WH को है, जिसे हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहते हैं। विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है, और जो साउथहैम्पटन के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि किस किस नाम से विलियम हर्बर्ट जाने जाते हैं। ये 6 लाइन स्टेंजा है, 6 लाइंस, ये 6 लाइन स्टेंजा की पोयम है। अगला क्या है? ये शो करता है, शो लव ऑफ वीनस एंड एडोनिस। और इसका जो सोर्स है, अगर पूछ लिया जाए कि वीनस एंड एडोनिस का सोर्स क्या है, तो क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है, क्रिस्टोफर मार्लो का, हीरो एंड लैंडर, ये प्ले वीनस और एडोनिस का सोर्स है। तो ये हो जाती है कुछ इसके फैक्ट्स हैं वीनस और एडोनिस के। क्या फैक्ट्स हैं? 1593 में ये प्ले आया, ये पोयम आई थी, और ये डेडिकेटेड है WH को, विलियम हर्बर्ट को, जिन्हें हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से भी जानते हैं। ये 6 लाइन स्टेंजा की पोयम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि वीनस एंड एडोनिस का क्वेश्चन आ जाता है कितने लाइन की स्टेंजा का है पोयम। तो ये 6 लाइन स्टेंजा का पोयम है, और इसमें सोच लव ऑफ वीनस एंड एडोनिस, वीनस और एडोनिस के प्यार को दिखाता है, प्रेम के बारे में इसमें दिखाता है। और ये प्ले, इस प्ले का सोर्स कहां से लिया गया, क्या सोर्स है? तो क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है, हीरो एंड लैंडर, ये सोर्स, वीनस एंड एडोनिस का ये प्ले सोर्स है।
आगे हम दूसरा देखते हैं, द रेप ऑफ लुक्रीज, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। द रेप ऑफ लुक्रीज, इसके क्या फैक्ट्स हैं। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, इसको लिख सकते हैं अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रीज। ऑफ लुक्रीज हु लॉस्ट हर वर्चू। रिलेटिव्स, दूसरा इसमें है, ये सेवन लाइन स्टैंजा है। रेप ऑफ लुक्रीज क्या है, एक ट्रेजिक स्टोरी है, लुक्रीज की एक ट्रेजिक स्टोरी है, हु लॉस्ट हर वर्चू बाय हर रिलेटिव्स, जिस जो अपनी वर्जिनिटी खो देती है लुक्रीज। ये स्टोरी एक ट्रेजिक स्टोरी है, जिसने अपना वर्चू खो दिया था अपने ही रिलेटिव्स के द्वारा, अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। और ये सेवन लाइन स्टैंजा की पोयम है, और ये आया कब था, 1594 में आया हुआ था ये पोयम 1594 में आया था। शेक्सपियर ने टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस, इसके बाद इसके साथ साथ उन्होंने तीन और पोएम्स लिखे थे। वो पोएम्स कौन कौन से हैं, ये तो लिखे ही थे, इनके साथ साथ तीन पोएम और लिखे थे। पहला था द पैसिनेट पिलग्रम, द पैसिनेट पिलग्रम, पिलग्रम। दूसरा था द फिनिक्स एंड टर्टल, द फिनिक्स एंड टर्टल। और तीसरी पोयम थी इनकी अ लवर्स कंप्लेंट, कंप्लेंट। इन्होंने ये वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, ये तो लिखे थे, इनके साथ साथ इन्होंने तीन और पोएम्स लिखे थे। पहला था द पैसिनेट पिलग्रिम, दूसरा था द फिनिक्स एंड टर्टल, और तीसरा था अ लवर्स कंप्लेंट। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़े बहुत फैक्ट, एग्जाम में बन सकते हैं ये क्वेश्चन। द पैसिनेट पिलग्रिम के बारे में अगर बात करते हैं, द पैसिनेट पिलग्रिम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो अ सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ 15 सोनेट्स। पैसिनेट पिलग्रिम क्या है, एक 15 सोनेट की सीरीज है, इसमें 15 सोनेट्स आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, बनते वैसे नहीं क्वेश्चन, इतना बस इतना जान के रखो कि ये तीनों भी पोयम उन्होंने लिखा है। और इसके बारे में द पैसिनेट पिलग्रिम क्या है, ये अ सीरीज ऑफ 15 सोनेट, एक 15 सोनेट्स का एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। ठीक, एक बार तो हम रिवीजन ले लेते हैं, एक रिवीजन। 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न आउट हो गया था, पूरी तरह से बर्न आउट हो गया था। उसके बाद रिबिल्ड कब हुआ था, 1614 में। शेक्सपियर ने टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे थे, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज। वीनस एंड एडोनिस कब आई थी, 1593 में।
और ये डेडिकेटेड किसको है, WH को, जिन्हें हम अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन भी कहते हैं। ये सिक्स लाइन स्टेंजा की पोयम है, सो लव ऑफ वीनस एंड एडोनिस, ये वीनस और एडोनिस के प्रेम को दिखाता है ये पोयम। और इसका सोर्स क्या है, मार्लो की एक प्ले, क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है हीरो एंड लेंडर, ये इसका सोर्स है। नेक्स्ट की बात करते हैं द रेफ ऑफ लुक्रीज की, ये पोयम कब आई है, 1594 में आया है। और अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रीज हु लॉस्ट हर वर्चू बाय हर रिलेटिव्स, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक कहानी है, दुखद भरी कहानी है, लुक्रीज की कहानी होती है जो अपनी ही अपनी वर्जेनिटी खो देती है, अपने वर्चू खो देती है ये। और ये सेवन लाइन स्टेंजा की कहानी, ये सेवन लाइन स्टेंजा की पोयम है। आगे इनके साथ टू लॉन्ग नरेटिव पोयम के साथ साथ उन्होंने तीन और पोयम्स लिखे थे, द पैसिनेट पिलग्रिम, फर्स्ट है द पैसिनेट पिलग्रिम, सेकेंड है द फिनिक्स एंड टर्टल, और थर्ड है अ लवर्स कंप्लेंट। द पैसिनेट पिलग्रिम क्या है, अ सीरीज ऑफ 15 सोनेट, ये 15 सोनेट की एक सीरीज है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे मैं ये दोनों पोयम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।